बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बदर इकबाल फ्रॉम फिज़िक्स डिपार्टमेंट डीपीएस एंड कॉलेज उकाड़ा। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वाइब्रेटरी मोशन और इससे रिलेटेड कुछ जो टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो आप थोड़ा सा आपको वाइब्रेटरी मोशन की इम्पोर्टेंस का भी पता होना चाहिए। तो आप वाइब्रेटरी मोशन हमारी यूनिवर्स के लिए या इवन हमारी जो डेली लाइफ है इसके लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इट हैज़ अ वेरी लार्ज इम्पोर्टेंस फॉर अस। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि जितनी भी किस्म की वेव्स हैं तमाम की तमाम वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटरी मोशन का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पार्टिकल्स अगर वाइब्रेट नहीं करेंगे तो किसी किस्म की जो वेव है उसको प्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता, चाहे वो वाटर वेव्स हों, चाहे शटरिंग वेव्स हों, चाहे वो लाइट वेव्स हों, चाहे वो सीस्मिक वेव्स हों। तो ये जो सीस्मिक वेव्स होती हैं ये जब जलजला आता है तो ज़मीन के अंदर जो वेव्स चलती हैं इनको हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। तो आपको बड़े शहरों के अंदर जितनी भी स्काई स्क्रैपर्स यानी कि आसमानों से बातें करती हुई जो इमारतें हैं वो जो दिखाई देती हैं, तो उनको बनाने के लिए इंजीनियर्स इस बात को ज़रूर अपने माइंड में रखते हैं कि वो जो बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो मटेरियल है वो वाइब्रेट करे। तो इससे क्या होता है कि उनको हेल्प मिलती है जलजले के अंदर। जब जलजला आता है तो फिर वो जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके गिरने का ख़तरा कम हो जाता है जब उनका मटेरियल वाइब्रेट करता है। तो आप वेव्स की एक आम सी जो टाइप है साउंड वेव, इसकी ही मिसाल ले लीजिए। तो साउंड वेव्स जो सी हैं ये जब प्रोड्यूस होती हैं तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं, और इस दौरान भी क्या होता है कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अगर एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे तो साउंड वेव्स नहीं प्रोड्यूस हो सकेंगी, और अगर साउंड वेव्स ही प्रोड्यूस नहीं होंगी तो यहाँ पे हमारी दुनिया के अंदर, हमारी इस जो जिस दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं इसमें किसी किस्म की कोई साउंड ही नहीं होगी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस अगर साउंड प्रोड्यूस ना हो, किसी किस्म की कोई साउंड ही ना हो, तो इस साउंड प्रूफ दुनिया जो है इसका क्या हाल होगा। तो ये इसलिए वाइब्रेटरी मोशन जो है वो हमारे लिए बड़ी ही अहम है। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ आते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये एक स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये भी वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है, लेकिन कौन सी एक स्पेशल टाइप है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन जो है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या होना चाहिए। आप सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें तो सिंपल पेंडुलम के अंदर जब हम सिंपल पेंडुलम की बॉब को उसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करके या उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको उसकी इस एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाते हैं, तो फोर्स के लगने से आपको पता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये जो एक्सेलरेशन होगा तो ये इस एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो ये बॉब यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करती है, इसको हम इसका एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये क्या है, दोबारा ज़रा सुनिए, ये एक स्पेशल टाइप है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन कब सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाती है, जब वाइब्रेटरी मोशन कुछ स्पेशल किस्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। अगर कोई वाइब्रेटरी मोशन स्पेशल किस्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को आप क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो स्पेशल कंडीशंस क्या हैं, वो स्पेशल कंडीशंस के अंदर एक तो हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट ये आपस में ऑपोजिटली डायरेक्टेड होने चाहिए। तो जिस वाइब्रेटरी मोशन के अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं, नंबर वन
एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. नंबर टू, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी ऑपोजिटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर. तो हम ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं. हमारे पास हमारी आपकी जो बुक का सिलेबस है उसके अंदर तीन इसकी एग्जांपल्स हैं. एक मैस अटैच्ड विद द स्प्रिंग है, उसकी वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया हुआ है, और एक सिंपल पेंडुलम की वाइब्रेटरी मोशन को डिस्कस किया हुआ है. बाल एंड बाउल की एग्जांपल मौजूद है. तो हम जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर इंडिविजुअली हर एक केस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या मैस अटैच्ड विद स्प्रिंग की जो वाइब्रेटरी मोशन है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही. सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो वाइब्रेटरी मोशन और इसी तरह से बाल एंड बाउल की जो वाइब्रेटरी मोशन है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही. तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.